नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है इतना है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। पुलिस वर्दी में घूम रहे नकली सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल को किया गया गिरफ्तार। 2 लाख में होमगार्ड और 4 लाख में सिपाही की भर्ती के लिए कर रहे थे प्रचार। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष देश तो श्राइन बोर्ड सिर्फ मंदिरों के लिए ही क्यों, शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद ने उठाया सवाल। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ पुलिस ने एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है जो कि पुलिस की वर्दी पहनकर नकली सब इंस्पेक्टर और सिपाही बनकर घूमा करते थे, यहां तक कि ट्रैफिक नाके भी लगाया करते थे। यह भोले भाले मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर 2 लाख रुपए में होमगार्ड और 4 लाख रुपए में चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही भर्ती के नाम पर उन्हें ठगने की कई योजनाएं बना चुके थे। पुलिस अभी इन दोनों से पूछताछ कर रही है और बहुत जल्द ये खुलासा होगा कि ये अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। मामला ऐसा था, डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक सिख जेंटलमैन और एक लेडी जो है चंडीगढ़ पुलिस की यूनिफॉर्म डाल के चंडीगढ़ में घूम रहे हैं और लोगों को अपना आई कार्ड दिखा करके बेवकूफ़ बनाते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बिहार पर हमारे इंस्पेक्टर नरेंद्र पटेल ने 49 सेक्टर में नाका लगाया। इस नाके को ऐसे राहुल कर रहे थे हेड। यूरी नाका एक टाटा करोला गाड़ी रोकी कि इसका नंबर CI 004E 4708 नंबर था। इसको अपना सब इंस्पेक्टर सजा दिए जो चला रहे थे और एक लेडी उनके साथ बैठी थी। जब गाड़ी रोके अब चेक किया गया तो उन्होंने अपना चंडीगढ़ पुलिस का आई कार्ड दिखाया। आई कार्ड देखने पर जो उनका आई कार्ड है हमारे चंडीगढ़ पुलिस के आई कार्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता था। क्लियर होता है कि ये आई कार्ड अपना फेक है। उसके बाद जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई, उस गाड़ी में से कुछ हम आई कार्ड, कुछ बैचेस और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। ये इनका जो कि काम है तकरीबन 2-3 साल से इनका ये काम कंटिन्यू चल रहा था। जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में अपना पता चला है कि जो सरदार जी हैं पहले सिपाही भर्ती हुई, धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को सब इंस्पेक्टर बना लिया, लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि इनका यूनिफॉर्म और आई कार्ड इनका मेन पर्पज यही था कि लोगों को हम ये अपना जो है दिखा सके आप सब इंस्पेक्टर हैं और आप लोगों को कहीं ना कहीं म्यूजरी भर्ती करा सकते हैं। भर्ती के चक्कर में लोगों से 4 लाख 5 हज़ार या 2 लाख जिस तरह का इनको बंदा मिला उस हिसाब से उनसे पेमेंट नहीं लेते। किस काम के पैसे लेते हैं सर? भर्ती कराने के, कि आपको सिपाही या होमगार्ड भर्ती कराएंगे। सर अभी तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया हो कि कितने दिनों से ये लोग एक्टिव थे और कहां कहां ये घूमते थे रातों को, कोई नाके वगैरह? ऐसे अभी तकरीबन यही पता चला कि शहर में ये अपने फ्रीली घूम रहे थे और ये जो है 2-3 साल से इनका काम चल रहा है। अभी तक हमें यही पता चला कि लोगों को सिर्फ ये आई कार्ड दिखा करके उनको जांचे में देता है कि हम आप लोग को होमगार्ड में या पुलिस में भर्ती करा देंगे। बाकी जो इनकी अपना एक्टिविटीज़ है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी। सर इसके साथ साथ और भी लोगों की इनके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है या दो ही है? ये सारी बातें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सारा पता चलेगा क्योंकि हमने वहाँ तक पहुँचना है। इन्होंने यूनिफॉर्म ये कहाँ से ली, आई कार्ड कहाँ से लिए, ये लोगों कहाँ से लिए, बैचेस कहाँ से लिए हैं और ये ऑर्डर जो है टाइप कहाँ हुआ। सर क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है, जैसे आपने बताया कि हमने देखा कि लेटर पैड जो है चंडीगढ़ पुलिस के लोगों भी चंडीगढ़ पुलिस के आई कार्ड भी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से बिल्कुल ये बिल्कुल बात वाजिब है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए हमें इसकी जो थोड़ा डीपली अपना थॉरली इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इनकी तहत पहुँचने के लिए। सर ये जो तजिंदर हैं, क्यूज और कंचन है, इनका बैकग्राउंड क्या है? अभी ऐसा कुछ नहीं, यही है कि जो अब तजिंद्र है ये अपना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अम्बाला सिटी का रहने वाला है और ये कंचन है ये अपना ग्रीन व्यू एक सोसाइटी है एरा बसी में, ये वहाँ की रहने वाली है। हस्बैंड वाइफ नहीं है क्योंकि पहले ये भर्ती हुई है लड़की, बाद में इसने इसको अपना जो है भर्ती कर। शुक्रवार को चंडीगढ़ में शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती पहुंचे हुए थे जिन्होंने सरकार पर एक सवाल उठाया और आम लोगों से भी ये पूछा है कि आखिर सिर्फ श्राइन बोर्ड मंदिरों के लिए ही क्यों अपना काम करता है, बाकी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर श्राइन बोर्ड क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि भारत धर्म निरपेक्ष देश है तो सिर्फ मंदिरों पर ही श्राइन बोर्ड नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जुडिशरी और अफसर शाही पर भी नकेल लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि जुडिशरी में लोगों का और जजों का नारकोटिक टेस्ट हो जाए तो 15% जज भी देश में धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मिलेंगे। उन्होंने और भी कई सवाल उठाए जिनके पीछे उन्होंने कहा कि एक साजिश है और ये साजिश रचने में सरकार भी पीछे नहीं। क्या कहा शंकराचार्य ने, आए सुनते हैं। पुरातन सनातन संस्कृति है,
सनातन संस्कृति का आधार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। सनातन संस्कृति समग्र समाज समग्र मानव का उत्कर्ष हित का आधार है। जब जब इस धरा पर अराजकता उच्छृंखलता का निर्माण हुआ तब कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का आधार न दैन्यम न पलायनम, हम दैन्य भी नहीं और पलायन भी नहीं। तीन तरह की संस्कृतियां विश्व पटल पर है। एक संस्कृति पहले थी अब नहीं है, एक संस्कृति पहले थी आज भी है और भविष्य में रहने वाली है, लेकिन उस पर प्राय है संकट के बादल हैं। जब जब समाज में अराजकता का निर्माण होता है तो संत या समाज सेवक लोग या सोशल आगे आकर आज़ादी के दीवाने परवानों ने लड़ाई के समय इस मातृभूमि को पुण्य भूमि मानकर यज्ञ भूमि मानकर अपने प्राणों का अवसर किया था, भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। कोई ऐसा प्रदेश नहीं था जहाँ के क्रांतिकारी देशभक्त राष्ट्रभक्तों ने अपना बलिदान ना दिया हो। भारत का विभाजन जब 47 में हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ और ये कहा गया कि हम एक साथ नहीं रह सकते, और अगर एक साथ रह सकते थे तो विभाजन का कोई आधार नहीं था। पंचकुला के सेक्टर 20 के वार्ड नंबर 15 में इकलौता मंदिर आज प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़ने का कारण प्रशासन ने बताया कि इस जमीन को किसी व्यक्ति ने खरीद लिया है और उसका कहना है कि उसकी जमीन पर अवैध निर्माण कर मंदिर बनाया गया है। पंचकुला के सेक्टर 20 में वार्ड नंबर 15 में प्रशासन की ओर से आज एक मंदिर को तोड़ा गया, जिसके बाद यहाँ पर हंगामा हुआ और स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहसबाजी भी हुई। मंदिर तोड़ने का कारण प्रशासन द्वारा बताया गया कि इस जमीन को किसी व्यक्ति ने खरीद लिया है, उसका कहना है कि यहाँ पर अतिक्रमण है और जब तक अतिक्रमण है मैं कैसे यहाँ पर काम करूँगा। इसके चलते आज ये कार्रवाई की गई और मंदिर को भी तोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच हाथापाई भी हुई, जिसमें कांस्टेबल को हल्की चोट भी आई है, जिसके बाद पुलिस सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कुछ लोगों को थाने ले गई। वहीं इस दौरान मौके पर पहुंचे पूर्व पार्षद आशीष गर्ग ने सवाल उठाया कि 20-25 साल पुराने मंदिर को प्रशासन ऐसे कैसे तोड़ सकता है, जबकि इलाके में कई मस्जिदें और मजारें अवैध तौर पर बनी हैं, उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। मैं HSVP डिपार्टमेंट से हमें जो कंप्लेंट मिली है उसके मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या शिकायत कर दी गई आपको? उसमें HSVP के जेई साहब हैं नवीन जी, उन्होंने बताया कि भी डिमोलिशन के लिए गए थे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस दौरान उनकी गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया, उसमें ज़्यादातर लेडीज थी, तो उस संबंध में उन्होंने जो कंप्लेंट दी उस पर हम कार्रवाई की। सर उसमें देखा ये भी गया कि किसी महिला कांस्टेबल के ऊपर भी किसी ने कोई आरोप लगाया कि हाँ उसके ऊपर हमला किया था या कुछ चप्पल से कुछ चप्पल फेंकी गई थी? हाँ मैंने सुन पता है चला है कि भी किसी लेडी कांस्टेबल की तरफ कोई वहाँ पर लेडीज ने चप्पल उठाकर भागी थी और उस लेडी कांस्टेबल को हमारी को चोट भी लगी है। एक में लेडीज कांस्टेबल दो को चोट। सर फिलहाल अभी क्या बनती कार्रवाई की जा रही है? सर FIR दर्ज कर रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ? अभी इसमें नाम तो उन्होंने दो के हैं भाई ने, बाकी और जो होंगे उनको भी लेंगे। बहरहाल मंदिर तोड़े जाने के बाद स्थानीय लोग यहां पर मंदिर में लगी मूर्तियों के पास बैठ गए हैं और कीर्तन करने लगे। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से मामले में आगे की बनती कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ में जल्द ही 209 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे, इसका भूमि पूजन आज संपन्न हो गया। भूमि पूजन किया चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने। उन्होंने कहा कि इस बस क्यू शेल्टर्स में टाइम टेबल भी इलेक्ट्रॉनिक लगा होगा और लोगों के बैठने के लिए यहां उचित व्यवस्था भी की जाएगी। 209 बस क्यू शेल्टर बनाने का काम एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासन का कहना था कि बस क्यू शेल्टर बन जाने के बाद आम जनता की लंबे अरसे से चल रही डिमांड भी पूरी हो जाएगी। सेक्टर 24 की पुलिस चौकी के स्टाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली। जब चौकी इंचार्ज रवदीप सिंह हेड कांस्टेबल और अन्य लोगों के साथ नाके पर थे तो उस दौरान एक बाइक सवार को चेकिंग के लिए रोका गया। जब
जांच की गई तो पता चला कि यह बाइक सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन इलाके से चुराया गया था और इस पर नकली नंबर लगा हुआ था। पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चंडीगढ़ सेक्टर 24 चौकी की पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब नाके के दौरान पुलिस ने दो मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि ये मोटरसाइकिल सेक्टर 17 थाना से चोरी हुआ था और इस मोटरसाइकिल पर जाली नंबर लगाकर आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी। चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रवदीप सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, सीनियर हेड कांस्टेबल अनिल कुमार ने नाके पर इन दोनों आरोपियों को रोका था, जिसके बाद आरोपी मोटरसाइकिल छोड़ मौके से फरार होने लगे, लेकिन पुलिस की टीम ने इन्हें दबोच लिया। इसके बाद इनसे पूछताछ की गई, जिसमें सामने आया कि मोटरसाइकिल सेक्टर 17 थाना से चोरी हुआ था। इस मोटरसाइकिल पर जाली नंबर लगाकर ये दोनों युवक चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी। ये जी दो चोर हैं जी, मोटरसाइकिल ते फड़े गए जी नाके दे। इना वास्ते दो मोटरसाइकिल, एक गड्डी, बाकी जेवरात चांदी व सोने दे। ये नवे ग्राउंड दे रहने वाले हैं। तो इनके क्या क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? एक का नाम है गोल्डी, दूसरे नाम है हरीश एलिस डब्बू। ये दो नवे ग्राउंड दे रहने वाले हैं। तो इन पे पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है या फिर? इन्हों पर पहले भी मुकदमे दर्ज है पंजाब के, एक चोरी के मुकदमे दर्ज है नवे ग्राउंड। और इनसे जो और भी कोई बराबरी वगैरह मिली है इनसे? इनसे तो यही दो मोटरसाइकिल, एक गाड़ी और बाकी सोने चांदी के गहने मिले हैं। तो क्या ये नाके के दौरान पकड़े गए? नाके के दौरान पकड़े गए, जाली नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे थे जी, उससे वेरीफाई करने से पता लगे भी चोर है। तो आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा? आज, कल पेश किया था, इनका रिमांड लिया था एक दिन का जी। आज इन्होंने गहने रिकवर कराए हैं एक ने, गोल्डी ने, तो आज कोर्ट में पेश करेंगे। वहीं पुलिस को आरोपियों से एक गाड़ी और दो और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। रोल नंबर 4 को तोड़ने के लिए आज प्रशासन का पूरा अमला तैयार था, लेकिन इससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने रोल नंबर 4 से लेकर गवर्नर हाउस तक रोष मार्च निकाला, जहां उन्होंने गवर्नर को एक मांग पत्र भी सौंपा। उनके मांग पत्र के बाद रोल नंबर 4 को तोड़ने की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बहरहाल लोगों को उस दिन का समय दिया गया है कि वह खुद ही अपना सामान यहाँ से हटा लें। और अब मौसम, ट्राई सिटी में तापमान गिरकर अधिकतम 32.8 डिग्री सेल्सियस पर जाकर रुक गया है। दो दिन हुई बूंदाबांदी और हवाओं के बाद तापमान में यह परिवर्तन देखने को मिला है, जबकि रात का तापमान भी गिरकर 22.1 डिग्री सेल्सियस रह गया है। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि इसी तरह बादल छाएंगे और हवाओं के साथ तापमान में कोई बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। पूरे देश भर की खबरों के लिए और अपने आसपास हो रही हर घटना की जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब के सी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश राणा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।